नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने दिनेश मिश्रा जिला उपाध्यक्ष कोटेदार संघ को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने दिनेश मिश्रा जिला उपाध्यक्ष कोटेदार संघ को अंगवस्त्र आदि भेंट करके सम्मानित किया। सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को देश से भगाने के दायित्व निर्वहन में लगे दिनेश मिश्रा जिला उपाध्यक्ष कोटेदार संघ लगे हैं। लोग घरों में कैद होकर परिवार के साथ समय गुजार रहे हैं, तो जंग के तमाम योद्धा दायित्व निर्वहन के चलते परिवार का सुख भूल बैठे हैं। दिनेश मिश्रा जिला उपाध्यक्ष कोटेदार संघ समाज सेवा में लगे रहे, ऐसे क्रम योद्धाओं का सम्मान लोगों द्वारा किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान दिनेश मिश्रा जिला उपाध्यक्ष कोटेदार संघ ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक गांव के असहाय गरीब लोगों के लिए हर संभव मदद की है। इस दौरान सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है, इसमें अपना जान जोखिम में डालकर देश की सेवा में अपना दायित्व निभा रहे कोरोना योद्धाओं का योगदान प्रशंसनीय है। अपना एक परिचय दे दीजिए। दिनेश मिश्रा जिला उपाध्यक्ष कोटेदार संघ जी, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अभी तक आप लोगों ने जनता के बीच और जिस तरीके से आप लोगों ने कोविड-19 इतना भारी मतलब गंभीर समस्या होते हुए भी आप लोगों ने जनता को राशन वितरण किया और इतना भारी जोखिम उठाया, किस तरीके से आप लोगों ने मतलब कोविड-19 में जनता को सेवा किया, आप लोगों ने क्या पहले कोविड-19 में सभी कोटेदारों लगभग एक महीने दो बार वितरण किया है सभी कोटेदारों ने, और सब जो है एक तरह से मानिए तो डॉक्टर पुलिस के साथ साथ कोटेदार भी उतना ही मेहनत किया है। लेकिन कोटेदार का कहीं नाम नहीं आ रहा है इस सम्मान में, तो थोड़ा दुख होता है। इतना मेहनत करने के बाद भी यदि कोटेदार का नाम कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं ले रहा है सम्मान के साथ, तो थोड़ा दुख होता है। लेकिन हम लोग जो है पूरे मनोयोग से पूरी जनता को, गरीब जनता की सेवा करते हैं। 80% जनता की सेवा हम लोग कर रहे हैं, प्रवासी जितने आए उसका भी सेवा हम लोग किए हैं, और आगे भी सरकार के निर्देशों के अनुसार हम लोग कार्य करते रहे जी। यही सब देखते हुए आपको चैनल द्वारा पहली बार किसी चैनल द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है, जो आप लोगों ने मेहनत किया है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम कोई भी तो है जो हम लोगों की व्यथा को समझा और हम लोगों को सम्मानित कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप कोटेदारों की समस्याओं को लेकर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? कोटेदारों की बहुत समस्याएं हैं। आज समस्या यह है कि कोई भी कोटेदार जो है वह आज के डेट में खुशहाल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वितरण होने से पारदर्शिता बहुत बढ़ी है, लेकिन कोटेदार की रोजी रोटी के लिए सरकार का ध्यान नहीं है कि सर क्या कोटेदारों के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या सरकार से चाहते हैं? सरकार से ही चाहते हैं कि हम लोगों का कमीशन बढ़ना चाहिए जी। अभी आप लोगों को कमीशन कितना मिलता है? हम लोगों को 70 रुपया कमीशन मिलता है। 70 पैसा एक किलो पर? 70 रुपया क्विंटल जी। तो जिले का औसत आप देखेंगे तो प्रत्येक दुकानदार का औसत अगर मिलाएंगे तो 80 क्विंटल लगभग जो है औसत आता है। 8×56,5,600 रुपया जो है यह कमीशन होता है सरकार द्वारा हम लोगों को दे होता है। 5,600 में हम जो है पूरा राशन बांटते हैं, 3-3, 4-4 आदमी लगा के बांटते हैं, अपना भी पेट चलाते हैं, जनता का भी देखते हैं जी। आप क्या चाहते हैं सरकार से? आप लोग भी किसे बढ़ाना चाहते हैं कि हम लोगों का जो है कमीशन बढ़े और कुछ मानदेय हम लोगों का तय हो जाए, ताकि हम लोगों के परिवार का भी जो है आसानी से चल सके, ताकि हम लोग सुचारू रूप से बिना हिचक के, बिना चोरी के जनता की सेवा कर सके। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।